नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं सोमेश शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ। तो आइए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर स्थित सेवारा थाना क्षेत्र की, जहां से हमारे संवाददाता मोहम्मद रुमान से मिली जानकारी के अनुसार MQ गर्ल्स इंटर कॉलेज में सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें हाइट, वेट, नेत्र परीक्षण, वायरल बुखार, एनीमिया की जाँच और एलर्जी की जाँच की गई। सभी को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हुए कोविड के बचाव के लिए सरकारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान 120 छात्रों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस मौके पर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, डॉक्टर सुमित कुमार, डॉक्टर विनीत चौधरी, शिव कुमार आदि मौजूद रहे। स्कूल में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत हर साल होने वाला परीक्षण, तो लगभग 4 दिन का हमारा यहाँ वर्क है, जिसमें नज़र की जाँच, आँखों से संबंधित बीमारियाँ, एनीमिया के लक्षण को देखना, बच्चों को उसके बारे में जागृत करना तथा वायरल फीवर जैसी सभी बीमारियों के लिए उनकी जांच कराना, उनके लिए अवेयर करना छात्रों को, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। वह परीक्षण के दौरान किसी भी बच्चे को अगर किसी भी रोग से ग्रसित पाया गया है तो उसके लिए उसे CSC शिवारा पर रेफ़र करने का काम RBSK की CSC शिवारा की टीम के द्वारा किया जा रहा है। जो पेंडेमिक चल रहा है COVID-19, उससे बचाव, रोकथाम तथा सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना, किसी चीज़ को बार बार टच ना करना, इन सारी चीज़ों की जानकारी भी स्वास्थ्य टीम के द्वारा छात्र छात्राओं तथा छात्र छात्राओं के साथ साथ स्कूल स्टाफ को दी गई। और इसी के साथ जुड़े रहें बंधन समाचार के साथ।